नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा, फूड एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक पनीर की सब्जी। गैस ऑन कर दी है मैंने, गैस पे पैन चढ़ा दिया है। इसमें पानी डालेंगे, हमारा पानी बॉयल होने लगेगा तब इसमें हम पालक डालेंगे। पानी बॉयल होने लगा है, अब देखो पालक डाल दिए मैंने। पालक को बस एक मिनट ब्रांच करना है हमको, बहुत ज्यादा नहीं उबालनी होती है, नहीं तो पालक का रंग खराब हो जाता है। इसको पलट देंगे, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है पालक, इसको बहुत अधिक उबालने की आवश्यकता नहीं होती। बगल में मैंने एक पैन में पानी, बर्फ का पानी रख दिया, बर्फ डाल के बिल्कुल चिल्ड पानी, ये निकाल के सब बर्फ के पानी में डालेंगे। इससे पालक का जो रंग होता है वो एक बढ़िया ग्रीन रहता है, काली नहीं पड़ती है पालक हमारी। पानी, पालक हमारी ठंडे पानी में डली हुई है, वो स्किप हो गया है, आपको दिखा नहीं पाए। और दो बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है कढ़ाई में, आधे चम्मच जीरा, आधे चम्मच सौंफ, 8 कली लहसुन की डाली है मैंने काट के, इनको चला देंगे। दो प्याज काट के रखी है मैंने महीन। प्याज डाल देंगे, इनको मध्य आंच में गुलाबी होने तक भूनेंगे हम इसको चलाते हुए। पालक पनीर की सब्जी में तेल अधिक अच्छा नहीं लगता। चलाएंगे, भूनेंगे। आधी चम्मच हींग डाली मैंने, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्चा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 10 पानी डालेंगे, मसाला हमारा इसे जले ना। और 2 टमाटर की प्यूरी हमने बना के रखी है, उसमें 2 हरी मिर्चा और आधा अदरक का टुकड़ा मैंने पीस लिया है साथ में। टमाटर की प्यूरी डाल दी इसमें, मसाले को मध्य आंच में भूनेंगे। 1 चम्मच नमक डाला, 1 पालक हमारे ठंडे हो गए वहाँ पर, आइस के पैन में पड़े हैं, उनको ग्राइंड कर लेंगे। आधे चम्मच गरम मसाला डाला है, तो मसाला कैसा बन रहा है, मसाला पैन को छोड़ने लगा है, कितना पूरा छोड़ दिया पैन को, कितना अच्छा बन गया मसाला। देख पालक का कलर देख कितना अच्छा लग रहा है, ठंडे पानी में डाल दो तो पालक का कलर बिल्कुल बढ़िया बरकरार रहता है, खराब नहीं होता है कलर, कितना ग्रीन एकदम से। पालक को चला देंगे, पालक में हल्का सा उबाल सा आ जाए थोड़ा सा। ये पनीर मैंने घर पे बनाया है, घर का फ्रेश पनीर है, घर की पनीर की बात ही अलग होती है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। कितना बढ़िया कलर लग रहा है पनीर का। थोड़ा सा पानी और डाला है इसमें, गाढ़ी लग रही थी सब्जी, ऊपर से मलाई डालेंगे 1 से 2 चम्मच, इससे बड़ा ही क्रीमीनेस आता है मलाई डालने से। मिला देंगे इसे, सब्जी हमारी तैयार है। धनिया पत्ती काट के डाल, मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। देखो मेरी पालक पनीर तैयार है। ओके, थैंक यू।